हेलो हाय नमस्कार ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एमसीक्यूज ऑन सोशल स्टडीज एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाइज एनालिसिस एंड बुक लिस्ट एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सो गाइस प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल शेयर एंड लाइक दिस वीडियो होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल विथ योर प्रिपरेशन एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स प्लीज डू स्टे अवे फ्रॉम going outside always without unnecessary work, stay home, stay safe, and regularly wash your hand and sanitize your hand with soap and sanitizer. Please take care of yourself. Let us start this video. Which of the following was not a feature of एंथेनियन डेमोक्रेसी इनमें से कौन सा वो चार स्टेटमेंट है जो कि फीचर्स है जो कि एंथेनियन डेमोक्रेसी का फीचर्स नहीं है ठीक है एंथेनियन डेमोक्रेसी क्या है वो 6th century BC का एक पोलिस जैसे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का एक डेमोक्रेसी है इट्स रिलेटेड टू 6th century BC का एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स जो है एंथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में अगर आपको बहुत सारी चीज अधिक जानना है तो प्लीज टू सर्च इट ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड ऑल डिटेल्स अबाउट एंथेनियन डेमोक्रेसी ऑप्शंस क्या है यहाँ पर चार ऑप्शन है ऑल द फ्री मेन एंड वोमेन अबव 30 years ऑफ एज वी आर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स और ऑप्शन नंबर टू ऑल सिटीजन्स वी आर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी ऑप्शन नंबर थ्री ऑल द सिटीजन्स अटेंडेड असेंबलीज दैट वर हेल्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन मैटर्स और ऑप्शन नंबर फोर अपॉइंटमेंट ऑफ मेनी पोजिशन वॉज मेड थ्रू लॉटरी यहाँ पर कौन से ऑप्शन जो कि सही नहीं है इज नॉट ए फीचर ऑफ एंथेनियन डेमोक्रेसी यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर जो कि ऑल द फ्री मैन एंड वोमेन अबव 30 years ऑफ एज वे आर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन वो ऑप्शन सही नहीं है जो कि एंथेनियन डेमोक्रेसी का एक फीचर्स नहीं है ठीक है देन क्वेश्चन नंबर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथा ठीक है इनमें से कौन सी वो ऑप्शन स्टेटमेंट सही है जो कि समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथा के बारे में सही है देयर किंगडम्स वर अपरूटेड एंड मेड ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर दे सबमिटेड टू समुद्रगुप्त एंड ऑफर्ड डटर्स इन मैरिज दे ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट दे सरेंडेड आफ्टर बींग डिफीटेड एंड देन आर अलाउड टू रूल अगेन यहाँ पर कौन सी जो ऑप्शन सही है जो कि समुद्रगुप्त पॉलिसी जिसके टुवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथा के बारे में सही है व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर समुद्रगुप्त पॉलिसी टुवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथा ठीक है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर जो कि दे सरेंडेड आफ्टर being defeated and then were allowed to rule again ठीक है then question number थ्री match the following art form and nomenclature यहाँ पर ए पार्ट वन में आपकी आर्ट का फॉर्म्स दिया गया है उसके nomenclature यहाँ पर है yes नहीं कि it will be in the sequence similar sequence ये पर नहीं है यहाँ पर आपकी similar sequence आपको बनाना है कि कौन से ऑप्शन के लिए आर्ट फॉर्म के लिए कौन सी नोमेनक्लेचर सही है जैसे कि आपकी आर्ट का आर्ट टेक्निक दैट एनेबल मेकिंग ऑफ इमेजेस दैट लुक्ड रियल पेंटिंग शोइंग इंडियन लैंडस्केप एज क्वेटेंट ऑन एक्सपोर्ट लैंड पेंटिंग डिस्प्लेइंग लैविश लाइफस्टाइल्स वेल्थ एंड स्टेटस ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पेंटिंग्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री एंड विक्ट्रीज यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है जैसे कि पिक्चर्स क्यू पोर्ट्रेचर हिस्ट्री पेंटिंग ऑयल पेंटिंग यहाँ पर आपको सिमिलर कौन सी आर्ट फॉर्म का नोमेनक्लेचर क्या है यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कोर्स है ठीक है 1, 2, 3, 4 देन यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट ठीक है कैसे वन इज करेक्ट जैसे कि आर्ट टेक्निक दैट एनेबल मेकिंग ऑफ इमेजेस दैट लुक रियल कोई भी आपके इमेजेस हो दैट लुक्स रियल लाइक ए ऑयल पेंटिंग देन क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट इन द लेट 18th century द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे मद्रास एंड बेंगल डेवलप्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग पोस्ट
ऑप्शन नंबर वन सूरत मद्रास कलकत्ता, ऑप्शन नंबर टू नागपुर मदुराई दिल्ली, ऑप्शन नंबर थ्री पुणे मद्रास कलकत्ता, ऑप्शन नंबर फोर सूरत मदुराई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपके क्या होगी, ऑप्शन नंबर वन, जैसे कि आपके सूरत सूरत मद्रास एंड कलकत्ता। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट महायान बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट दिया गया है, किसके बारे में, महायान बुद्धिज्म के बारे में। कौन से ऑप्शन सही है जो कि चारों ऑप्शन उसके बाद है वो आपको बताना है। देन यू हैव टू ट्रोल अबाउट व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट महायान बुद्धिज्म। ऑप्शन स्टेटमेंट वन में क्या है आपकी, इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बुद्धस प्रेजेंस इन स्कल्पचर्स वाज शोन यूजिंग सर्टन साइंस। और स्टेटमेंट नंबर बी में क्या है आपकी, द विली पिन बुद्धिस्ट स्टब्स इमर्ज्ड विद द कमिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म। आपकी यहाँ पर ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, जो कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ए में क्या थे आपकी, इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बुद्धस प्रेजेंस इन स्कल्पचर्स वाज शोन यूजिंग सर्टन साइन, ये गलत है जो कि महायान बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है आपको। सही क्या है, द बिलीव इन बुद्धिस्ट स्टब्स इमर्ज्ड विद द कमिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म, दैट वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट महायान बुद्धिज्म। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट महालवारी एंड रौतारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यूज एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑल्सो देर आर टू स्टेटमेंट अबाउट महालवारी एंड रौतारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यूज, यू हैव टू फाइंड आउट हुई स्टेटमेंट इज करेक्ट। द महालवारी वॉज डिवाइज्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, वाइल द रौतारी वॉज डिवाइज्ड फॉर ब्रिटिश टेरिटोरीज इन साउथ। जैसे कि महालवारी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में वो डिवाइज करे डिराइव्ड है, रौतारी जो है डिवाइज फॉर ब्रिटिश टेरिटोरीज इन साउथ में जो थी। देन सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, व्हाइल इन महालवारी विलेज, महालवारी विलेज हेडमैन कलेक्टेड द पेड रेवेन्यू ऑफ द होल विलेज टू द कंपनी। जैसे कि महालवारी जो रेवेन्यू सिस्टम है वो विलेज हेडमैन कलेक्ट करते क्या, आपकी जो पेड रेवेन्यू होल विलेज का वो कलेक्ट करते, देन कंपनी को वो पे करते। देन रौतारी डायरेक्ट सेटलमेंट वाज मेड विथ कल्टिवेटर्स। ठीक है, यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट है अबाउट महालवारी एंड रौतारी सिस्टम। देन ऑप्शन कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। ए, ओनली ए इज करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द टू रेवेन्यू सिस्टम, ओनली बी इज करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द टू रेवेन्यू सिस्टम, बोथ एंड ए एंड बी इज करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द टू रेवेन्यू सिस्टम, फोर में क्या है आपकी, Neither A nor B correctly explain difference between the two revenue system। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर, जो कि तीन ही बोथ ए एंड बी आर करेक्टली डिफरेंस एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द टू रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, देन आपके क्वेश्चन सेवन, ए टॉम ऑफ ए सूफी सेंट इज नोन एज व्हाट, खनक इदाक गुलफरसन दरगाह। यहाँ पर ए टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट को क्या हमने क्या जानते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर सेवन। यहाँ पर हम जानते हैं कि ए टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट इज नोन एज दरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन। देन क्वेश्चन नंबर एट, द डॉक्ट्रिन ऑफ विस्तृत वशिष्ठ अद्वित वॉज प्रोपाउंडेड इन 11th सेंचुरी बाय होम। किसके द्वारा वो जो डॉक्ट्रिन वो फिलोसोफी है प्रोपाउंडेड कहता है, रामानुज वर्षवान एकनाथ शकुबाई। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, जो कि रामानुज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नाइन, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन दीवानी अदालत एस्टैब्लिश्ड इन 1772 इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। जो कि हमारी दीवानी अदालत एस्टैब्लिश हुआ था कब इंडिया में, 1772 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसके बारे में जो स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। इट वॉज ए क्रिमिनल कोर्ट, इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। आपके चार स्टेटमेंट का जो ऑप्शन से वो क्या, दो स्टेटमेंट का जो ऑप्शन से वो क्या है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स,
is false, B is true, both A and B are true, both A and B are false. ओके यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू इज कर ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू इट वॉज नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट ओनली ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 10 ए गरिशन टाउन रिफर्स टू व्हाट जैसे कि लैंड एडजेसेंट टू ए सिटी दैट सप्लाइज गुड्स टू इट ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स ए प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन सेंटर्स आर सोल्ड ए टाउन ऑन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट. यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट अबाउट गरिशन टाउन रिफर्स टू ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 11 असम्प्शन ए इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंदन. रीजन क्या है आपकी इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.30 ईस्ट को. देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ठीक है. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू जो कि रीजन दिया गया एक्सेसन वो गलत है बट रीजन सही है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ पर जो ए जो एक्सेसन यहाँ पर है आपकी जो एक्सेसन ए यहाँ पर दिया गया आपकी जैसे कि इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंदन इसका जो रीजन दिया गया है यहाँ पर वो ए इज ए एंड आर आर बोथ ट्रू है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं है वो एक्सेसन का रीजन करेक्ट नहीं है बट यहाँ पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कौन से ऑप्शन आपके सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है. Then question 12. Consider the statement A, B, C on the time zone and choose the correct answer. यहाँ पर time zone के अनुसार ऊपर तीन ही statement दिया गया आपको A, B, C उसका उनसे कौन सी option जो सही है statement. जैसे कि some countries have a great longitudinal extent and so they adopted more than one standard time. ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर बी द यार्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑन आवर वन आवर ईच. ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर सी इस टाइम जोन कवर्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. ऑप्शन नंबर ए जो है ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज इनकरेक्ट ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट बी एंड सी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 में क्या ए बी सी ऑल आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पर आपके यहाँ पर 4 ही सही है जो कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. देन क्वेश्चन नंबर 13 चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमोस्फियर्स लेयर्स बिगिनिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस जो कि अर्थ सरफेस का हमारा जो एटमोस्फियर का लेयर सही सीक्वेंस वाइज वो है स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर देन ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर. तीन में क्या है एक्सोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर ट्रोपोस्फियर थर्मोस्फियर. फोर में क्या है मेसोस्फियर ट्रोपोस्फियर एक्सोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर. यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर जैसे कि ट्रोपोस्फियर देन स्ट्रेटोस्फियर देन मेसोस्फियर देन थर्मोस्फियर देन लास्ट में क्या है आपकी एक्सोस्फियर ठीक है ये आपको याद रखना है. देन क्वेश्चन नंबर 14 सीजन्स अक्वर ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन किस रीजन के लिए हमारे जो सीजन जैसे कि विंटर होते हैं समर होते हैं रेनी सीजन होते हैं वो किस लिए होता है कौन से रीजन वहाँ पर है आपके. एक्सिस ऑन द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 जो कि डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन जो कि ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग वर्टिकल एट 23.5 डिग्री सेल्सियस जो में है साउथ में हो जो देन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डिरेक्शन. फोर में क्या आपके सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द एक्सिस ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 ये एक जियोग्राफिकली क्वेश्चन है आपके लिए. जियोग्राफी इज लिटिल बिट वेरी यू नो टेक्निकली टर्मिनोलॉजीज लाइक रिलेटेड टू साइंटिफिकली सो यू हैव टू रीड थोरोली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ जियोग्राफी ओके. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
14 revolution of the earth and inclination of its axis in the same direction. Then question number 15, the major constituents of earth atmosphere by percentage is what? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen and helium. यहाँ पर आपके the major constituents of earth's atmosphere by percentage is, जो कि major percentage, जिसके highest percentage जो atmosphere में है earth की, वो कौन सी गैस है आपकी? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen और helium. यहाँ पर आपकी है जो major गैस है atmosphere की, वो है nitrogen. ठीक है. Which of the following statement, वो कितने परसेंट नाइट्रोजन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना. ठीक है. ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो कि हम क्लास 5, 6, 7 में वो चैप्टर थी आपकी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशन करंट इज और आर करेक्ट. इनमें से चार स्टेटमेंट है जो कि ओशन करंट्स के बारे में है. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर? द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स. लैब्राडोर इज ए वार्म करेंट एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स. ए में क्या है? ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज नॉट हियर. ए सी आर करेक्ट, बी सी आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट. आपके कौन से ऑप्शन सही है? टू, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज नॉट द करेक्ट. ठीक है. Then question number 17, the depositional feature of glacier is called what? Sea cap, moraine, loess, levees. यहाँ पर option number 2 is the correct answer, moraine. ठीक है, जो कि depositional feature of glacier को समझाता है. Then statement A and B describe the features of which of the following vegetation. Option यहाँ पर statement दो है, आपको बताना है कि कौन सी statement जो कि vegetation के ऊपर है वो सही है. द वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड, जैसे कि 50 और 70 डिग्री ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टाइगा, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, कन्फेरियस फॉरेस्ट और मेडिटेरियन वेजिटेशन. कौन सी वेजिटेशन के ये जो दो स्टेटमेंट या फीचर्स है? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 3 कन्फेरियस फॉरेस्ट किए है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following is not a feature of the Ganga Brahmaputra basin? यहाँ पर कौन से वो ऑप्शन, चारों स्टेटमेंट है या फीचर्स है, कौन से वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एक फीचर नहीं है? ऑक्स बो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन एरिया इज हाई है, वेरी हाई. द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट और स्लैश एंड बोन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टाइज इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टिवेशन. यहाँ पर आपकी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द नॉट फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो कि स्लैश एंड बोन एग्रीकल्चर प्रैक्टाइज इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टिवेशन वो सही नहीं है, जो कि इज नॉट ए फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 20, स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज, स्विमर्स क्यों वो तैर सकते हैं डेड सी में? Winds blow at a very high speed over the surface of the sea water. More warm currents than cold currents originate in the sea. Option number 3, the sea experiences more high tides than low tides. The increased salt content makes the sea dense. यहाँ पर question option number 4 is the correct answer, क्योंकि the increased salt content makes the sea dense. ठीक है. Then question number 21. Consider the statement A and B about the land use and choose the correct options answer. Land use refers to use of land exclusively for agriculture and forestry. Land use is primarily determined by its topography. यहाँ पर जो कि दो statement है वो कौन सही है या गलत है? A is true, B is false. A is false, B is true. Both A and B are true. Both A and B are false. यहाँ पर option number 4 is correct. Both ही गलत है, जो कि स्टेटमेंट है लैंड के ऊपर, लैंड यूज के ऊपर. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन व्हाट? चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर. शेल्टर बेल्ट जो होते हैं वो हमको किस प्रकार के सहायता करते हैं? रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर ओवर सॉइल,
preventing gullies and hence for the soil loss. यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट. सेल्टर बेल्ट हेल्प टू चेकिंग एंड चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर. देन क्वेश्चन नंबर 23. What determines the thickness of soil profile? ये भी एक जियोग्राफी क्वेश्चन है. रिलीफ टाइम फ्लोरा एंड फोना क्लाइमेट को क्या वो चीज है वो डिटरमिन्स करता है थिकनेस ऑफ ए सॉइल प्रोफाइल के. ऑप्शन नंबर टू. ठीक है क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर टू टाइम. कितने वक्त लगते हैं कि एक ही एक इंच का एक सॉइल को थिक बनाने के एक सॉइल बनाने के लिए वो नेचुरली प्रोसेस होते हैं कोई भी तो मैनमेड नहीं है सॉइल तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन द टाइम. एंड क्वेश्चन नंबर 24. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एट एक्चुअल पोटेंशियल रिसोर्सेज रिनेबल नॉन रिनेबल रिसोर्सेज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज यूबिक्यूटियस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज. इसका डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किस प्रकार के क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं हम रिसोर्सेज की. ओके हम करते हैं यूबिक्यूटियस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज. ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. Which of question number 25? Which of the following statement about diverse society is correct? Diverse society के बारे में जो यहाँ पर statement दिया गया है चार statement कौन सी statement correct है या सही है. It would have diverse society have difference and inequality in language, religion and culture. ये तो सही है. It would have difference in culture and power. ये भी सही है लगते हैं कि diverse society के बारे में जो बताया गया. It would have similarities of language, religion, culture. ये गलत है. It would have difference in similarities in language, culture and religion. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. सिमिलैरिटीज भी हो सकती है एंड डिफरेंसेस भी हो सकती है. ठीक है इसीलिए उसको हम diverse society कहते हैं. Which of the following statement यहाँ पर जो इनइक्वालिटी जो है इनइक्वालिटी नहीं है वो ऑप्शन डिफरेंसेस है एंड सिमिलैरिटी है. यहाँ पर इनइक्वालिटी जो वर्ड है वो गलत है. ठीक है दो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप. एक ही क्वेश्चन मैंने करी थी जो कि हमारे सोशल स्टडीज के ऊपर उनमें से भी एक क्वेश्चन थे जेंडर स्टेरियोटाइप के बारे में. अगर आपको वो जो हमारी प्रिपरेशन सीरीज 1000 एमसीक्यू सीरीज आप देखी हो तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. वुमेन आर वेरी इमोशनल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप. चैलेंज करते एक हिंड्रांसेंस है जेंडर स्टेरियोटाइप का. वुमेन आर फैशन कॉन्शियस. वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर. वुमेन आर नर्चरिंग. ठीक है 26 ऑप्शन नंबर बी 3 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर. जैसे कि हम लोगों में ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है कि वुमेन कैन नॉट ड्राइव ए लॉन्ग और ए हेवी व्हीकल. ठीक है हाँ ठीक है कार चला सकती है बाइक चला सकती है लेकिन हेवी व्हीकल वुमेन के लिए नहीं वो मेन कैन ड्राइव. सो यहाँ पर जो चैलेंजेस है जो एक चैलेंज करता है जेंडर स्टेरियोटाइप के वो है वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स. ओके देन क्वेश्चन नंबर 27. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ द सफ्रगेट्स. राइट टू वोट फॉर वुमेन. राइट टू ब्यूरोक्रेटिक रोल्स फॉर वुमेन. एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर प्रोपर्टाइड वुमेन. एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर वर्किंग क्लास. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर है राइट टू वोट फॉर वुमेन. देन क्वेश्चन नंबर 28. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जातकज इज करेक्ट जो कि एक हिस्ट्री लेवल का क्वेश्चन है. दीज आर कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स. दीज आर कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय जैन मॉन्क्स. दीज आर कंपोज बाय बुद्धिस्ट मॉन्क रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय ऑर्डिनरी पीपल. दीज आर कंपोज बाय जैन मॉन्क्स रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय ऑर्डिनरी पीपल. यानी जातक जो होते उसके बारे में जो चार स्टेटमेंट है कौन सी स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारी ऑप्शन नंबर 1 जो कि दीज आर कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क. ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 29. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईना ई अकबर की इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है जो कि इसके बारे में बताया गया है. इट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन टाइटल अकबरनामा. इट डील्स विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीजन. देन It was written by Mirza Hakim who was one of the Akbar's courtiers. It has rich statistical details about diverse aspects of Akbar's administration.
इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आईन ए अकबर की जो बारे में बताया गया है आपके, इट हैज रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग कंप्लीट द कंपोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी वाज ऑल्सो एडिंग इट्स ओन कंपोजिशंस टू इट। कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है आपकी, गुरु अनंग। ठीक है, गुरु अनंग कंप्लीट द कंपोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी ऑल्सो एडिंग हिज ओन कंपोजिशन टू इट। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द 30 मॉडल क्वेश्चंस फॉर योर सोशल स्टडीज, लाइक एनी सोशल स्टडीज पेपर यू आर अप्लाइंग फॉर योर स्टेट पीजीटी टीजीटी और योर सेंटर लाइक EMRS TGT के लिए जो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सो और यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट दिस इन योर सीटेट एंड स्टेट TET एग्जाम फॉर योर सोशल साइंस पेपर। Guys, please to subscribe my channel, share and like this video. For more updates, please to click on the bell icon. You will get all the new notification of the video. Thank you guys. Stay safe, stay happy.